हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। ईआरपी 9 के अंदर एक चीज है कि अगर कोई बिल आपने बना लिया, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कंपनी है 1234@company, इसमें देखिए कितने सारे बिल्स बने हुए हैं। जैसे ये सेल का बिल है, तो अगर मान लीजिए कि इस बिल को आपको कैंसिल करना पड़े किसी वजह से, तो आप कैंसिल किस तरीके से कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट की होगी कि आप इसे कैंसिल कर पाएंगे, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड से क्या करना है, Alt के साथ X प्रेस करना है। और देखिए यहां पर जैसे ही मैंने प्रेस किया है Alt के साथ X, तो ये कैंसिल वाला जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, जो भी आपका, अब ये तो गेटवे ऑफ टैली है, यहां पर आइए, दो बार D प्रेस कीजिए, आपके जो भी एंट्रीज पास हुई होंगी डे बुक में ओपन हो जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए इसी को कैंसिल करना है, रिसिप्ट को कैंसिल करना है, या किसी को भी इसमें से कैंसिल करना है, सेल को ही मान लीजिए कैंसिल करना है, तो आप Alt के साथ सीधा X प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए, ये बिल जो है कैंसिल हो जाएगा। और यहां देखिए कैंसल्ड लिखा हुआ है, देख रहे हैं, यानी ये जो एंट्री आप किए होंगे वो गायब हो जाएगा और उसकी जगह यहां पर कैंसल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, Alt के साथ X प्रेस कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की का यूज आप कर सकते हैं टैली ईआरपी 9 में। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि कैंसिल अगर करना है तो किस तरीके से किसी भी एंट्री को कैंसिल आप कर सकते हैं टैली ईआरपी 9 के अंतर्गत। ठीक है ना, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।